देश में एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कायम हो, इसके लिए हम लगातार पिछले दो दशकों से देश में जागरण का काम कर रहे हैं। 2014 में उसका परिणाम आएगा, देश को एक स्थायी और मजबूत सरकार मिलेगी। और हमने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कहा है कि मोदी जी तो अच्छे हैं, लेकिन भाई अपने उम्मीदवार प्रत्याशी भी अच्छे लेकर के आओ। मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीति के शुद्धिकरण की दिशा में आज मोदी जी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व एक बड़ी पहल करेगा और उसमें अलवर जिला भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इस बार राजस्थान में कांग्रेस का विधानसभा से भी ज्यादा सुपड़ा साफ होगा लोकसभा में। एक दो सीट यदि भाई नेग की रह जाए तो अलग बात है, बाकी इस बार महापराजय कांग्रेस की राजस्थान में होगी और दिल्ली की सरकार बनाने में सबसे बड़ी सभी भारतवासी लोकसभा चुनाव में आपके टिकट वितरण से लेकर पूरे चुनाव प्रचार हमारी मूल भूमिका होगी गांधी खानदान के लूट को देश के लोगों के सामने रखना, क्योंकि 1000 सालों में जितना मुगलों ने और अंग्रेजों ने मुल्क को नहीं लूटा उससे ज्यादा लुटेरे खानदान ने करीब 1000 लाख करोड़ की लूट कराई, जो 100 लाख करोड़ से ज्यादा बाहर और करीब 900 लाख रुपए देश के अंदर। ये सारा काला धन देश को दिलाना, भ्रष्टाचार मिटाना और व्यवस्था को बदलना, ये हमारे मुद्दे होंगे। इन मुद्दों के आधार पर लोग कांग्रेस का बहिष्कार करें, उसके लिए हम प्रचार करें। भाजपा के कुछ शीर्ष नेताओं का नाम है, इस बारे में आपका क्या कहना है? इन दोनों भैया देखो, जो केजरीवाल जी दूसरों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये इस तरह से ओछी हरकतें नहीं करनी चाहिए कि बाकी सब बेईमान, मैं देशभक्त हूं। ये इस तरह की बात करना ये सबसे ज्यादा ऐसा है। सोनिया गांधी के लड़के को भी राजनीति जहर दिखाई देती है, उनको चारों तरफ जहर दिख रहा है, मौत दिख रही है। अच्छा एक सवाल।